हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग फ़ोन है तो सैमसंग फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में टैल्क बैक ऑप्शन है तो टैल्क बैक ऑप्शन को आप कैसे ऑफ कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे इस तरीके से। तो आपको इसमें क्लिक करना होगा सेटिंग्स आइकन पर। इस पे आपको क्लिक करना है और डबल क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारी फ़ोन की सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में टैल्क बैक ऑप्शन है तो टैल्क बैक ऑप्शन को आप कैसे ऑफ कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पे और डबल क्लिक कर देना है, तो ये ओपन हो जाएगा। तो टैल्क बैक ऑप्शन को ऑफ करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करते ही आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो टैल्क बैक ऑप्शन है, सॉरी इसको हम ऑफ कर देते हैं, अगर आप गलत शॉर्ट का ऑप्शन ओपन हो गया तो आपको ये ऑप्शन आ गया। इस पर क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करते ही टैल्क बैक ऑप्शन हमारे फ़ोन में ऑफ हो जाएगा और आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप टैल्क बैक ऑप्शन को ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।